ट्रेलर लगा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया लोगों की तरफ से। थैंक यू। जानना चाहूँगा आप लोग दोनों कैरेक्टर्स के बारे में, किस तरह के रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल गया? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ताज़ा खबर के लिए जो बहुत ही जल्द 6 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने जा रहा है। और मेरा कैरेक्टर है महबूब भाई का। इस टाइप का कैरेक्टर मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है। इसमें मेरा अलग ही गेटअप है, फ्रेंच बियर्ड है और लाल हीना वाले बाल हैं, और ये तो फिर भी ऊपर वाला यू नो गेटअप है। बाकी अंदर से अगर कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो इस टाइप का किरदार मैंने आज से पहले कभी नहीं निभाया। इसमें कॉमेडी मेरे हिस्से बहुत कम आई है, पर उसी बात की मुझे खुशी है। थोड़ा सा इमोशनल किरदार है, दिल को छू जाने वाला किरदार है। ये एक अंडा पाव बेचने वाला, घर घर जाकर साइकिल पे जाने वाला महबूब भाई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार है और ये शो बहुत प्यारा है। और मेरे साथी कलाकार प्रथमेश, भुवन बाम, श्रिया, सब लोग एक से बढ़कर एक हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। मुझे तो ट्रेलर का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया और मुझे ऐसा लगता है कि भुवन के लुक्स उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है वस्या के, और सर का जो एक पंच है उसमें वो क्या मार के आया क्या वो उस पर भी बहुत लाफ्टर आया उस पर। और मेरा जो कैरेक्टर है पीटर नाम का कैरेक्टर है, और ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं ना गैंग में जिनको हम थोड़े अनोइंग होते हैं, मतलब ये नहीं आए तो चले गए, मतलब इसको मत बुलाओ, लेकिन वो नहीं आता तो उसको मिस करते हैं। तो वैसा पीटर है, वैसे कैरेक्टर है। और मुझे ऐसा लगता है कि महबूब भाई और उसका एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो महबूब भाई उसको चिल्लाते रहते हैं हर टाइम, और वो पीटर भी उनकी खींचते रहते हैं बार बार। और वस्या के साथ भी उसका बॉन्डिंग, मतलब भुवन के साथ भी बॉन्डिंग है, श्रेया के साथ भी बॉन्डिंग है। अब भुवन के साथ ऐसा है कि वो दोनों एक दूसरे से कभी रिस्पेक्ट से बात ही नहीं करते, क्योंकि कुछ भी हो जाए उसके लाइफ में तो पहले आके वो पीटर को बताएगा, और पीटर के लाइफ में कुछ हो जाए तो वो वस्या को आके बताएगा और उसका सोल्यूशन महबूब भाई देंगे। तो ऐसा एक बॉन्ड है हम सबका। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ जो है ना वो लोगों को इतनी अच्छी लगी कि बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर्स है। सबके दिल में ऐसी चाहत है कि हम कहीं से भी पैसा कमा लें और अपने सपने जो है पूरे करें। अब सीरीज़ में क्या होता है वो आपको देखने मिलेगा। इसमें काफ़ी ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशंस है, कुछ हद तक फैंटेसी है, मिरेकल्स है और डिलेमा है, प्रिंसिपल्स एंड बहुत सारा रोमांस है, बिट्रेयल है, फ्रेंडशिप है, बहुत कुछ है। इसी के साथ सर आपको टेलीविजन से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है, जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। कोई भी आपका किरदार पकड़ ले तो उसको कभी ना कभी हमेशा किसी ना किसी तरह कोई ना कोई याद करता रहता है। और अब OTT में दोनों के बीच का डिफरेंस जानना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी ऑडियंस का और मेरे नसीब का भी कि मुझे टेलीविज़न में बहुत अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिला और ऑडियंस ने सराहा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस, चाहे वो देख भाई देख का करीमा हो या बाबू और बेबी का गट्टू हो या ऑफिस का पटेल हो या लेटली जो बाकरवड़ी के अन्ना, सारे किरदारों को बहुत लोगों ने प्यार दिया, तो थैंक यू सो मच। और अभी मैं पिछले 2 साल से टेलीविज़न का ब्रेक लिया है मैंने, क्योंकि मैं OTT प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और ताज़ा खबर से ही इसकी शुरुआत होगी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले महबूब भाई। मैं टाइम बस सीरीज की मैं बात करूँ, टाइम बस 3 Z5 पे अभी भी है और Z5 पे काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है। इनफैक्ट OTT की मैं बात करूँ जो Z5 पे, इस तरह का रिस्पॉन्स डू यू एक्सपेक्ट द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम द हॉटस्टार? उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मैं सोच रहा हूँ आएगा, क्योंकि अभी ये हिंदी ऑडियंस बहुत ज़्यादा देखेगी, नो डाउट टाइम पास का भी एक हिंदी ऑडियंस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भुवन बाम एक बहुत बड़ा नाम है, तो भुवन बाम की वजह से बहुत लोगों के तक हमारी एक्टिंग भी पहुँच जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि बहुत मतलब बाहर भी लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और डिज्नी हॉटस्टार पर आएगी और लोगों तक पहुँचेगी, लोग और प्यार करेंगे और कैरेक्टर्स भी सबके अच्छे लगेंगे। ऐसे नहीं कि कोई एक एक्टर आके कुछ बैटिंग करके चला गया, ऐसा कुछ नहीं है सीरीज में। मेनली इसका जो हीरो है वो स्टोरी है और वो स्टोरी ही रहेगी मुझे ऐसा लगता है। और अभी तो स्टोरी का ज़माना है, तो स्टोरी अगर अच्छी हो तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो वो कैरेक्टर्स भी लोगों को रिलेट करते हैं और फिर स्टोरी भी लोगों को अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी बहुत बढ़िया है और लोग देख के उसे प्यार करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।